हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक फोटोग्राफ को अच्छा बनाती है। अगर मान लीजिए आप एक DSLR यूज करते हैं, मैं एक DSLR यूज करता हूं, तो आपके और मेरे फोटो को क्या वो चीज है जो उस फोटो को डिफरेंट बनाती है। आपका फोटो हो सकता है बहुत अच्छा हो, मेरा फोटो हो सकता है बहुत गंदा हो, तो वो क्या वो चीज है? तो वो चीज है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या होती है? जहां पे आपके पास में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं एक फोटोग्राफ में, अब आपको उन सब चीजों की फ्रेमिंग और प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, उस चीज को बोला जाता है कंपोजिशन। अगर मान लीजिए आपको एक फोटो लेना है इसी तरीके से जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट यहां रहे तो आप मुझे यहां रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं बीच में रहूं तो आप बीच में रखेंगे, अगर आप चाहते हैं साइड में रखें तो साइड में रखेंगे। तो आप हर चीज का प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं, आपके सामने जो चीजें होती है कि किसको किस एंगल से किस तरीके से रखना है ताकि आपका डिजायर्ड फोटोग्राफ आपको मिल पाए। अब हमारे पास में काफी ज्यादा रूल्स होते हैं कंपोजिशन के, बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जो आप जिन चीज का ध्यान रख सकते हैं, तो आज मैं आपको वही शेयर करने वाला हूं। पर शेयर करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रूल पे ही स्टिक होना पड़ता है। कई बार जैसा आपको पता है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिन्होंने रूल को तोड़ा है ताकि उनको एक डिफरेंट फोटोग्राफ मिल पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रूल पहले से चलते आ रहे हैं तो बाद में किसी ने कोई नई चीज करी तो नया रूल आया। और आप हर एक फोटोग्राफर की बात करें, अगर मेरी बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि आप इन सभी रूल के अगेंस्ट कुछ ऐसा फोटो लेते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल फोटो देता है पर किसी भी रूल में फिट नहीं होता है। तो अगर आप चाहे रूल तोड़ना तो उसमें हिचकिचाना नहीं है। प्लीज ये ध्यान रखिए कि ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस हैं, नॉर्मल गाइडलाइंस हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ चीजें आप फॉलो करते हैं, क्योंकि बाद में काफी बार आप रियलाइज करेंगे कि आप इनमें से कोई ना कोई रूल फॉलो ऐसे भी कर रहे हैं कि आप जानते भी नहीं थे उस चीज के बारे में, फिर भी फॉलो कर रहे हैं। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों पहले रूल की बात करते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड क्या बोलता है? अगर आप मान लीजिए ये जो आपको पूरा विंडो यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप एक लाइन इधर एक लाइन इधर जो बराबर के डिस्टेंस में, अगर आप दो लाइन ऐसे वर्टिकल खींचते हैं, दो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, वो खींचने के बाद में आपको ये मालूम होगा कि आपके पास में 9 रेक्टेंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसी के साथ में आपके पास में जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर ये लाइन और ये लाइन अगर मिलती है तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास में 6 होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि आपके पास में 6 इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। अब रूल ऑफ थर्ड बोलता है कि आप या तो किसी भी एक लाइन या फिर कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे अगर आपके सब्जेक्ट रखते हैं तो आपका जो कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको इन फोटोज में दिख रहा है, ये सभी फोटोज जो आपको शेयर कर रहा हूं ये रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करते हैं और इसी वजह से ये एक नॉर्मल फोटोग्राफ से थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि रूल ऑफ थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है और जाने अनजाने हम लोग डेफिनेटली रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करते हैं। ये पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, हर एक तरीके की फोटोग्राफी में काम आता है, तो आप डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखिए। बात करते हैं दूसरे कॉम्पोजिशन की जो कि है सेंटर्ड कॉम्पोजिशन या फिर सिमेट्रिक कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली जैसे मैं आपको रूल ऑफ थर्ड में बता चुका हूं कि आपको कहीं ना कहीं साइड वाली लाइन में या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है, ये रूल थोड़ा सा अपोजिट है। तो आप ये मत सोचिए कि आप अगर मैं लेवल 1 आप अगर यूज कर रहे हैं तो लेवल 2 मतलब रूल 2 आपको यूज नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। आप इनमें से कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका क्या डिजायर्ड आउटकम है दिमाग में। तो अब ये सेंटर्ड कॉम्पोजिशन और सिमेट्रिक कॉम्पोजिशन क्या बोलता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखना होता है ताकि आप थोड़ा सा इफेक्टिव फोटो ले पाए, या तो फिर अगर आपके पास में कोई रिफ्लेक्शन है या फिर कोई ऐसी आर्किटेक्चरल आपके पास में बिल्डिंग है जो एकदम बराबर सी है तो आप वो सिमेट्रिक फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं इस कॉम्पोजिशन के लिए, इस रूल ऑफ कॉम्पोजिशन के लिए, तो आप डेफिनेटली इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा नंबर 3 कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो होगा फ्रेम इन अ फ्रेम। अब अगर मान लीजिए आपके पास में कोई विंडो है या फिर कोई रेक्टेंगल है या फिर कोई सीलिंग है या फिर कोई मान लीजिए कोई और भी बीच में ऑब्जेक्ट है, उस चीज को अगर आप यूज करके उसका फ्रेम बना के आगे अपने सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं तो उस चीज को बोला जाएगा फ्रेम विद अ फ्रेम। अब
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो अंदर जो सब्जेक्ट है उसके आजू बाजू चारों साइड में फ्रेम होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। दो साइड भी हो सकता है, तीन साइड भी हो सकता है, चारों साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इन्हें यूज करके आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि फ्रेम इन अ फ्रेम कॉम्पोजिशन कैसी होती है। नंबर चार कॉम्पोजिशन की बात करें वो है लीडिंग लाइंस। यहाँ पे अगर कोई व्यूअर होता है फोटोग्राफ का तो उससे पता लगता है कि एलिमेंट में कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। आपको यहाँ पे एग्जांपल्स को दिख जाएंगे तो इन्हें देख के आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। जैसा आपको यहाँ पे पता लग रहा है ये जैसे लाइन्स हैं, तो यही चीजें यूज करके आप लीडिंग लाइन्स के थ्रू आप इस तरीके के फोटोग्राफ ले सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग से फोटोज आते हैं अगर आप लीडिंग लाइन कॉम्पोजिशन को यूज करते हैं तो। ये स्पेशली अगर आप बोले तो एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोज या फिर लैंडस्केप्स, इन तरीके के नॉर्मल फोटोज में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये साथ में पोर्ट्रेट में भी काम आ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीज को ट्राई कर सकते हैं जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसी तरीके की चीज को कहीं भी देखें। दोस्तों नंबर पांच है पैटर्न्स और टेक्सचर्स। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप फोकस करते हैं पैटर्न और टेक्सचर पे, जैसा आपको इन फोटोज में नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपको डेफिनेटली फोटो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो टेक्सचर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं देखते हैं कि सिमिलर सी एक्टिविटीज है, सिमिलर सी चीजें हैं। अगर आप यूज करना चाहें उस चीज को तो डेफिनेटली इस कॉम्पोजिशन को यूज करके आप अच्छे फोटोज ले सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 कॉम्पोजिशन की, जो कि है रूल ऑफ ऑड्स। अब ये रूल बोलता है कि जब भी आपके पास में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं अपने फोटोग्राफ में, तो आपका फोटो विजुअली ज्यादा अपीलिंग होता है, ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बात करें कि मान लीजिए अगर आपके पास में 3 ऑब्जेक्ट हैं, 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो इन तरीके से आपके फोटोज थोड़े से इंप्रेसिव आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसी चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके फैमिली में 4 मेंबर हो, आपको उनका फोटो खींचना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ये फैमिली को आपने निकाला ताकि आप 3 का ही फोटो ले पाए ताकि वो विजुअली ज्यादा अपीलिंग हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरीके का फोटो। पर अगर आप बात करें नॉर्मल से विजुअल अपील की तो 3-5 ये नंबर ज्यादा अपीलिंग होते हैं। मेरे पर्सनल एग्जांपल से भी, जी हाँ, 3 नंबर मेरे लिए ज्यादा अपीलिंग है। और ये कुछ फोटोज हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसी रूल ऑफ कॉम्पोजिशन को फॉलो करता है, रूल ऑफ ऑड्स को। तो आप डेफिनेटली देख के समझ जाएंगे कितना विजुअली अपीलिंग है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोटोज हैं, पर इन कंपैरिजन टू दी ऑड नंबर्स और सॉरी इवन नंबर्स, ये फोटोज थोड़े से ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। नंबर 7 कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो होगा फिल द फ्रेम। अब जैसा आपको नाम से ऑलरेडी पता लग रहा है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं तो आपका जो पूरा का पूरा फ्रेम है वो उसी चीज से भरा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको ये ज़ेब्रा की आई दिख रही है, ये बाकी फोटोज दिख रहे हैं, तो ये जो सभी चीजें हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है ये इसी चीज से फिल है। ये पिकॉक का फोटो, बहुत ही अच्छे फोटोज हैं और ये फिल द फ्रेम कॉम्पोजिशन रूल को फॉलो करते हैं, तो आप भी डेफिनेटली चाहें तो इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। पर आपको इस चीज के लिए सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा क्लोज होना पड़ता है या फिर आपको बहुत ही अच्छा एक जूम लेंस यूज करना होता है। नंबर 8 कॉम्पोजिशन रूल की बात करें वो होगा सिंप्लिसिटी या फिर मिनिमलिज्म। अब जैसा आपको नाम से ऑलरेडी मालूम हो रहा है, आप यहाँ पे अपने फोटोग्राफ को काफी सिंपल रखते हैं, अपने जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसको बाकी सब चीजों से एकदम अलग रखते हैं। तो जैसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको ऑलरेडी पता लगेगा कि ये फोटोज दिखने में बहुत ही सिंपल है पर विजुअली बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फोटोज हैं। तो आप चाहें तो आप भी इसी चीज का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए कई बार आपको ध्यान रखना होता है कि आपके पास में काफी सिंपल सा एनवायरमेंट हो और बीच में एक छोटा सा सब्जेक्ट हो या फिर कोई बड़ा सा सब्जेक्ट हो जिस चीज के ऊपर आप फोकस कर पाए और बाकी चीज को आप एम्प्टी छोड़ पाए। नंबर 9 कॉम्पोजिशन गोल की बात करें वो होगा आइसोलेटिंग द सब्जेक्ट। अब ये जो चीज है, ये जब स्टार्टिंग फोटोग्राफर्स होते हैं तो वो काफी ज्यादा इस चीज को चाहते हैं। वो चीज होती है कि आप अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग कर दें। अब वो कैसे, आप यूजुअली जो लो अपर्चर वाले जो लेंसेज है वो अगर आप यूज करते हैं तो आपका ब्लर पीछे बहुत ज्यादा होता है। उस वजह से अगर आप किसी नॉर्मल इंसान का घटिया सा भी फोटो लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छा फोटो है। मैं डेफिनेटली डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, पर नॉर्मली बोला जाता है स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर होते हैं कि जितना अच्छा ब्लर है उतना ही अच्छा फोटोग्राफ है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो पर ये जो आपको जो रूल है ये आपको यही बोलता है कि अगर आप सब्जेक्ट को आइसोलेट करते हैं तो आपके पास में इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल वन आपके पास में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ आता है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10 कॉम्पोजिशन रूल की बात करें वो होगा टॉप व्यू या फिर टॉप एंगल शॉट, जो कि आप ऊपर वाले एंगल से लेते हैं, नीचे आपका सब्जेक्ट होता है। ये कुछ फोटोज हैं जो आप डेफिनेटली देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की फोटोज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे वो 10 कॉम्पोजिशन के रूल जो आप फॉलो कर सकते हैं इनिशियली अपने फोटोग्राफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चीजों को सीखने के लिए। कुछ टाइम बाद में आदत हो जाती है और आपको जरूरत नहीं होती है ये सोचने की कि मैं कौन सा रूल ऑफ कॉम्पोजिशन यहाँ पे अप्लाई करूं। आप डेफिनेटली अपने हिसाब से चीजों को लेते हैं और आपके पास में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोटो आ जाता है। तो यही एक चीज है, दिस इज द ओनली एंड ओनली थिंग जो आपके फोटोग्राफ और मेरे फोटोग्राफ को डिफरेंट बना सकता है। आपका कॉम्पोजिशन स्टाइल मेरा कॉम्पोजिशन स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिए, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए कि आप जितने अच्छे कॉम्पोजिशन वाले फोटोग्राफ ले सकते हो उतने लीजिए। मोबाइल फोटोग्राफ या फिर DSLR या डिजिटल कैमरा कुछ भी चलेगा, पर कॉम्पोजिशन इज द की फॉर फोटोग्राफी। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने आपको शेयर करे हैं कॉम्पोजिशन टिप्स, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्दी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक करके जाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके बाकी फोटोग्राफ एंथुसियास्ट दोस्तों को भी हेल्प हो पाए। कमेंट करना ना भूलें, मुझे बताइए आपको क्या पसंद आया, कौन सा रूल ऑफ कॉम्पोजिशन आपको सबसे पसंद आया अगर आप यूज कर रहे हैं तो मुझे बताइए। और चौथी चीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।